एवरी वन वेलकम बैक टू माइंड माइंड टूटोरियल सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक दैट इज इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट ऑन फिशेज ये जो टॉपिक है इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो आज हम इस टॉपिक में जो चीज़ें देखने वाले हैं उसकी जो सिनॉपसिस रहने वाली है कंटेंट जो रहने वाला है सबसे पहले वो वो देख लेते हैं पहला रहेगा इंट्रोडक्शन उसके बाद हम देखेंगे रेडिएशन और रेडियो एक्टिविटी होता क्या है क्योंकि अगर हम रेडियो एक्टिव वेस्ट की बात करते हैं तो उससे पहले उसकी थोड़ी बहुत थियोरी हमें पढ़ना जरूरी होती है देन रेडिएशन के क्या हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं

लॉज और रेगुलेशन है रेडिएशन को लेकर और जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है श्रीलंका इसके बारे में जो थोड़ी बातें सुनी होगी आपने उसके बारे में भी, भी लास्ट में देखेंगे समरी रहेगी और उसके बाद डिस्कशन तो ऑब्वियसली हम कर ही रहे हैं देन रेफरेंसेस देखेंगे ये सारा कंटेंट आज का हमारा रहने वाला है सो लेट्स गिट स्टार्टेड रेडिएशन एंड रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन जो रहता है वो एक तरह की एनर्जी होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी रहती है जो कि दो स्पेसेस के बीच में होती है जनरल uh, वे में हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हम लोग बात करते हैं कि जो मोबाइल्स रहते हैं या फिर जो मोबाइल नेटवर्कस होते हैं टावर्स होते हैं अगर हमारे घर के आसपास तो कहा जाता है कि इनमें से रेडिएशन रिलीज़ होते हैं या फिर रेडिएशन यहाँ से पास होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो ये जो रेडिएशन है वो ऐसे हमें दिखाई नहीं देते कोई चीज़ नहीं होती वो एक तरह की वेव्स होती हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होती है जैसे कि एक चीज़ से दूसरी तरफ जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है कभी हम उसको रेडिएशन के वे में भी ट्रांसमिट कर सकते हैं तो रेडिएशन एक ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी होता है जो कि स्पेस के अंदर से होता है दूसरी बात जो दो तरह के रेडिएशन्स मेनली होते हैं पहला होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन वेन रेडिएशन ट्रांसफर्स इनफ एनर्जी टू डिस्प्लेस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम्स एंड ब्रेक द बॉन्ड्स दैट होल्ड मॉलिक्यूल्स टुगेदर इज कॉल्ड आयोनाइजिंग रेडिएशन अगर रेडिएशन ऐसा है कि वो किसी अगर हम मैटर की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल सामने आपकी एक बुक रखी हुई है या बुक नहीं एक एक बॉक्स बॉक्स रखा हुआ है। हुआ है है उस के ऊपर आपके पास रेडिएशन दिया आप वो रेडिएशन उस बॉक्स पे चलाकर कोशिश करते हैं और अगर वो बॉक्स वहां पर टूट जाता है उस रेडिएशन की वजह से तो वो जो रेडिएशन आपने उस बॉक्स के ऊपर डाले थे वो कौन से रेडिएशन थे वो आयोनाइजिंग रेडिएशन थे तो जब भी ऐसा कोई रेडिएशन रहेगा जिसमें इतनी एनर्जी हो हर रेडिएशन में एनर्जी तो होती है लेकिन एनर्जी कम ज्यादा हो सकती है तो अगर किसी रेडिएशन में इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि वो किसी दूसरी मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर हटा दे या फिर एटम्स के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह हटा दे प्रॉपर वे में हम कहेंगे और उसके अंदर की बॉन्ड्स को तोड़ दे उसी को हम कहते हैं रेडिएशन पूरा बॉक्स का मैंने बहुत बड़ा वाला एग्जाम्पल दे दिया ऐसे रेडिएशन तो बहुत हाई लेवल के हो जाएंगे लेकिन रेडिएशन्स के वे में आप समझिए कि जो हम लोग बेसिकली जो बायोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं ये डी मान लीजिए हमने डीएनए बनाया डीएनए में क्या होते हैं बॉन्ड्स होते हैं डीएनए के अंदर बॉन्ड्स हैं एटम है तो डीएनए के जो एटम्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसके अंदर भी बॉन्डिंग होगी कहीं ना कहीं अगर उन बॉन्डिंग को किसी तरह के रेडिएशन तोड़ देते हैं चेंज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को इस जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम या इन बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं इस तरह के रेडिएशन आयोनाइजिंग रेडिएशन कहलाते हैं और रेडियो एक्टिविटी एक तरह की प्रॉपर्टी है ऑफ सर्टन अनस्टेबल एटम्स टू डिसइंटीग्रेट स्पॉन्टेनियसली रिलीजिंग रेडिएशन एंड फॉर्मिंग अ डिफरेंट न्यूक्लियाइड अब होता क्या है कि जनरली इस दुनिया में कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी है कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो कि अनस्टेबल है अनस्टेबल का मतलब होता है कि वो एक अच्छी कंडीशन में नहीं है और वो एक प्रॉपर कंडीशन में नहीं है जैसे कि एक विचलित रहती है कोई चीज कोई इंसान अगर विचलित रहता है जिसको जिसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है ना वो प्रॉपर वे में कुछ चीज कर पाता है ना उसको समझ में आता है कि क्या करना चाहिए एक अनस्टेबिलिटी एक नॉर्मल वर्ड है उसी तरह से किसी एलिमेंट में अगर अनस्टेबिलिटी होती है तो ये दुनिया का प्रिंसिपल है कि कोई चीज अगर अनस्टेबल है तो वो कोशिश ऐसी करेगी कि वो बदल बदलकर स्टेबल हो जाए और एक स्टेबल कंडीशन में आ जाए तो ये एलिमेंट्स भी यही करते हैं अनस्टेबल से स्टेबल होना रहता है तो जब इन्हें अनस्टेबल से स्टेबल होना रहता है तो ये कुछ तरह के रेडिएशंस अपने अंदर से इमिट आउट करते हैं इसी चीज को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं तो जैसे हम बात कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जैसे कि यूरेनियम हम ले सकते हैं हम ले सकते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में बहुत सारी लिस्ट होती है अगर मैं लेने बैठूँ तो बहुत सारी हो जाएगी मैरी क्यूरी के कंसेप्ट आपने देखे होंगे तो ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पर होती है अब हम नेक्स्ट देखते हैं रेडिएशन हेल्थ इफेक्ट्स रेडिएशन के हेल्थ इफेक्ट्स क्या होते हैं रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स और कार्सिनोजन्स जितने भी रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं न्यूक्लियाइड्स या फिर न्यूक्लियोटाइट्स आप जो भी कहें वो कार्सिनोजन्स होते हैं कार्सिनोजन यानी जो भी चीज़ें कैंसर कॉज कर सकती हैं हम उनको कार्सिनोजेनिक कहते हैं तो जितने भी रेडियो न्यूक्इट्स होंगे रेडिएशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती, होती? होती है वो जनरली कैसे होती है कार्सिनोजेनिक होती है एंड एट हाई डोजेस कैन ऑल्सो कॉज रेपिड सिकनेस एंड डेथ और अगर किसी इंसान को एक साथ बहुत सारा रेडिएशन से रिलेटेड कुछ दे दिया जाए तो उसकी वजह से उसके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ सिकनेस या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है और जनरली जो नॉर्मली अगर हम बात करें तो कैंसर तो हो ही जाता है तो ये कार्सिनोजेनिक होता है और जो हेल्थ इफेक्ट्स रहते हैं एक्सपोजर के टू रेडिएशन डिपेंड ऑन मैनीफेक्टर अब क्या होता है ये रेडिएशन के जो इफेक्ट्स हैं वो किसी तरह के फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं जैसे कि, कि किस तरह का रेडिएशन है कभी रेडिएशन छोटा हो सकता है कभी रेडिएशन बड़ा हो सकता है अगर छोटा रेडिएशन है तो हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा इफेक्ट उसमें खराब तरह से इल इफेक्ट उसमें देखने को ना मिले और अगर थोड़ा बड़ा रेडिएशन है तो वो ज़्यादा डैमेज पहुँचा सकता है और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इट Delivers, जो रहती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी उस के अंदर है लिए दूसरा ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्सपोज कितने ऑर्गन्स और, और टिश्यूज को रेडिएशन के सामने एक्सपोज किया जा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कि कितने इफेक्ट्स में चेंजेस आ सकते हैं और जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं किसी एक्सपोज्ड पर्सन के उसके ऊपर भी कोई इंसान अगर तो हो सकता है उस पर रेडिएशन इतनी इजीली वर्क नहीं करेगा और अगर कोई इंसान अगर ऑलरेडी बीमार है तो उसके ऊपर रेडिएशन ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और ज्यादा उसके ऊपर बात आती है रेडियो एक्टिव वेस्ट होते क्या है रेडियो एक्टिव वेस्ट ऐसे वेस्ट है जिनके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है सबसे पहले रेडियो एक्टिव वेस्ट की बात की जाए तो यूजुअली ये होते क्या है बाय प्रोडक्ट्स रहते हैं कि मान लीजिए कि किसी इंडस्ट्री है फैक्ट्री है वहाँ पर आपको किसी तरह का सब्सटेंस बनाना है तो वहाँ के साइंटिस्ट ने कुछ बनाया और वो चीज़ बन भी गई लेकिन साथ में क्या होता है उसके साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स बन जाते हैं बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हार्मफुल रहते हैं अब इन्हीं बाय प्रोडक्ट्स को साइंटिस्ट या फिर जो भी फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स होंगे वो उसको संभाल के तो नहीं रखेंगे और इन बाय प्रोडक्ट्स को वो मराइन वाटर में सी में रिवर में नदियों में ऐसी जगहों पर फेंक देते हैं थ्रो कर देते हैं तो ये जो चीज होती है इस वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी होता है और दूसरी चीज़ों की वजह से वहां हम आगे देखेंगे इसके काजेस क्या हो सकते हैं अब क्या हो रहा है यहाँ पर रेडियो एक्टिव वेस्ट आर यूजअली बाय प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन एंड अदर अप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सच एस रिसर्च एंड मेडिसिन और, और जनरली इस तरह की जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो बनते कहाँ पर रिसर्च की फील्ड में और मेडिसिन की फील्ड में जहां मेडिसिन बनती हैं वहाँ पर इस तरह का सब्सटेंस बहुत ज़्यादा बनने को Milte. अब हम देख लेते हैं फाइव मेन सोर्सेज रेडियो एक्टिविटी के क्या हो सकते हैं जो फाइव मेन सोर्सेज हैं पहला होता है प्राइमोडियल एंड नेचुरल रिसोर्सेज नेचुरली भी हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो रेडियो एक्टिविटी को कॉज करते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट हो सकते हैं लेकिन कई हद हाँ तक वो अर्थ के क्रस्ट में छुपे हुए होते हैं लेकिन उन्हें बाहर लेकर इंसान ले आते हैं और फिर उसको यूज़ कर लेते हैं जिस तरह से भी उन्हें करना है कभी कभी उसके बाय प्रोडक्ट्स रहते हैं जिसे वो आ, जो भी नेचुरल सामान है जैसे कि एयर वाटर या किसी भी जगहों में उसको फेंक देते हैं थ्रो कर देते हैं जिससे वो चीज़ें ख़राब होने लगती है न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग आ जाती है इनके अंदर अगर न्यूक्लियर वेपन कोई कंट्री बना रही है तो उसकी टेस्टिंग में भी या फिर कुछ उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी ये सब्सेंसेज बनेंगे रेडिएशन बनेंगे न्यूक्लियर पावर के जनरेशन में न्यूक्लियर रीप्रोसेसिंग इंडस्ट्री में मिलिट्री इंडस्ट्रियल मेडिकल रिसर्च के एस्टेब्लिशमेंट इन सारी चीज़ों के अंदर इन सारी चीज़ों को देखने का मौका यहाँ पर मिल जाता है तो एक तरह से रेडियो एक्टिव वेस्ट बन तो जाता है लेकिन अब रेडियो एक्टिव वेस्ट का डिस्पोजल कैसे किया जाए किस तरह से इसका आ, हटाया जाए इस जगह से तो उसके लिए जो चार तरह के मेथड्स यूज करते हैं वर्कर्स या फिर जो भी साइंटिस्ट है या जो भी लोग इसका यूज कर रहे होते हैं और जो इसका आ, कहना चाहिए पूरा डिस्पोजल करने वाले होते हैं उनके अंदर चार चीजों का डिस्पोजल देखने को मिलता है पहला होता है एयर डायल्यूशन या तो उसको इस तरह से डायल्यूट कर देना कि वो हवा में गायब हो जाए वाटर एंड मड डायल्यूशन कभी तो पानी में फेंक देना इन सारी चीज़ों को कभी मड के अंदर मिला देना कभी स्टोरेज एंड शिपिंग कभी स्टोर कर लेते हैं वो उसको कहीं और दूर दराज के इलाकों में पहुंचा देते हैं कभी ब्यूरियल यानी कि ज़मीन के अंदर खोद कर इन सारी चीज़ों को बरी कर देते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट को तो वो अंदर चले जाता है तो ये चार तरह की चीज़ होती है लेकिन यहाँ पर ये जो चार तरह की चीज़ें हैं एक तरह से ये पॉल्यूशन भी कॉज करती है ये बात हमें पता होनी चाहिए जितना कम रेडियो एक्टिव वेस्ट होगा उतना अच्छा होगा लेकिन फिर भी बंद हो जाते हैं तो ये चार मेथड्स होती हैं उसके डिस्पोज़ल की अब बात आती है डेवलपमेंट ऑफ रेडिएशन इंजरी की अगर हम लोग फिशेस की बात कर रहे हैं अगर मराइन वाटर है फ्रेश वाटर है उसके अंदर अगर रेडियो एक्टिव वेस्ट को आ, थ्रो किया गया है तो देखने को ये मिलता है कि अगर फिशेस के ऊपर रेडिएशन उनके संपर्क में आ रहा है तो उन पर रेडिएशन रेडिएशन इंजुरी होएगी देखने को मिलेगी यहाँ पर अब होता यह है कि उनके अंदर तीन तरह से यहाँ पर ये इंजरी हो सकती है एक तो मॉलिकुलर लेवल में फिशेज की बॉडी में मोलिक्यूल्स होंगे या तो वो वहाँ पर इंजुरी क्रिएट होगी या उनके सेल्स में इंजुरी क्रिएट होगी या फिर उनके ऑर्गेनाइनिज्म लेवल पर होगी यानी पूरा ऑर्गेनिज्म अफेक्ट हो जाए ऐसी इंजरी भी उनमें हो सकती है सो so, जो मॉडिफिकेशंस होते हैं रेडिएशन इंजरी के वो हम यहाँ देख सकते हैं अब यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है अगर आप लोग एग्जाम्स के अंदर इस तरह से फ्लो चार्ट बना के अगर कहना चाहिए रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो उससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो ये छोटा फ्लो तो चार्ट है जिसे हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या होता है जैसे कि किसी रेडिएशन से अगर एक्सपोजर होता है तो सबसे पहले एनर्जी एब्जॉर्ब्शन होगा उसके बाद क्या होगा आयोनाइज एंड इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स अब क्या होगा आप सिंपली अगर समझेंगे तो क्या हो रहा है जो रेडिएशन है वो एक तो डायरेक्ट एक्शन करते हैं और दूसरा करते हैं इनडायरेक्ट एक्शन डायरेक्ट एक्शन से वो क्या होगा और इनडायरेक्ट एक्शन से क्या होगा पहले तो एक चीज होगी जो दोनों में कॉमन होगी जो कि होगी मॉलिक्यूलर चेंजेस यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चाहे वो फिशेस हो या ह्यूमस हो तो उसमें मॉलिक्यूल के अंदर चेंजेस आने लगे मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेशली जो डीएनए होगा उसके अंदर देखने को मिलेगा ये चेंजेस अब दो तरह से चेंजेस होगी जो डायरेक्ट एक्शन है उससे होगी सोमेटिक म्यूटेशंस और जो इनडायरेक्ट एक्शन हो उससे होगी सेल डेथ अब सोमेटिक म्यूटेशंस क्या है कि जनरली जो भी एक क्रोमोसोम की बेस पेयरिंग रहती है अगर वो क्रोमोसोम की बेस पेयरिंग को हम लोग चेंज कर देते हैं या तो उसमें किसी एक पेयर को हटा दें या डिलीट कर दें या उसको किसी एक चीज़ से रिप्लेस कर दें सब्सिट्यूट कर दें इस तरह की चीज़ें म्यूटेशन कहलाती है तो ये जो जेनेटिक मेकअप है किसी ऑर्गेनिज्म का अगर वो चेंज हो जाता है तो वो सोमेटिक म्यूटेशन में होगा काउंट और इसकी वजह से क्या होगा सोमेटिक म्यूटेशन से डिलेड सोमेटिक इफेक्ट्स होंगे और जेनेटिक डिजीजेस होंगी क्योंकि अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम्स को ही अगर हिला देंगे हटा देंगे चेंज कर देंगे तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर बीमारियां बीमारियां होंगी होंगी और वो भी कैसे होगी जेनेटिक डिजीजेस वहीं जो सेल डेथ वाला केस था उसमें क्या होगा या तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी और अगर वो नहीं होगा तो इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है तो ये जो है कि ऑर्गेनिज्म कैपेबल नहीं होगा ऑफ प्रोड्यूस करने के ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है अब दूसरी चीजें यहाँ पर कि साइड के जो इतने पॉइंट्स वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये डायग्राम था जो इंपॉर्टेंट था अब होता क्या कि है जब किसी ऑर्गेनिज्म को एक्सपोज किया जाता है आयोनाइिंग आयोनाइजेशन रेडिएशन की तरफ तो होता ही है कि उसके जो टिश्यूज़ हैं उस ऑर्गेनिज्म के जितने भी सेल्स से बनते हैं टिश्यूज अब जो टिश्यूज़ हैं उस ऑर्गेनिज्म के उसके अंदर एक तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी उसके अंदर सारी रेडिएशन की एनर्जी चली जाएगी जिसकी वजह से उस इंसान में या उस ऑर्गेनिज्म में उस फिश के अंदर एटोमिक चेंजेस आ जाएंगे इन चेंजेस से क्या होगा उसकी वजह से आयोनाइजेशन या फिर एक्साइटेशन होगा और मतलब सॉरी आयोनाइजेशन और एक्साइटेशन से उस ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आएंगे जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हो, हो सकते हैं जो कि अभी हमने फ्लो चार्ट में देखा वही बात को हमने यहाँ रिपीट की अब आताती है इफेक्ट्स ऑन एक्वेटिक एनिमल्स ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन फ्रॉम रेडियोएक्टिव एक्टिव वेस्ट जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो फिशेस हैं या कोई ऑर्गेनिज्म जो पानी का है अगर हम उसकी बात करते हैं तो या तो उसके ऊपर इन रेडिएशंस की वजह से एक्यूट एक्सपोजर होगा या उनके ऊपर क्रोनिक एक्सपोजर होगा या तो लंबे समय तक उन पर रेडिएशन आते रहेंगे या फिर कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आएगी रेडिएशन और फिर वहाँ से खत्म हो जाएंगे तो दोनों चीज़ हो सकती है और ये सारी चीज़ें ये जो वेस्ट जो रेडियोएक्टिव वेस्ट होता है उसमें से ये जो एक्सपोजर से निकलता है इतना हमें समझ में आता है अब होता क्या है या तो फिशेज की बात करते हैं तो या तो वो मर जाएंगी सीधे सीधे अगर एक बार में बहुत सारा रेडिएशन मिल गया तो सीधे उनकी डेथ हो जाएगी वो नहीं होगी तो पैथोफिजियोलॉजी हो जाएगी जो उनकी फिजियोलॉजी उसमें कहीं ना कहीं बीमारियाँ देखने को मिल सकती है रिप्रोडक्शन उनका अफेक्ट होगा उनका डेवलपमेंट अफेक्ट होगा और उनके जेनेटिक्स अफेक्ट होंगे ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर ज़्यादातर जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उनकी वजह से आ जाती हैं फिशेज़ के अंदर और वो डिपेंड करती है कि जो एक्सपोजर हुआ है वो एक्यूट है यानी शॉर्ट टाइम के लिए है या फिर क्रोनिक है क्रोनिक यानी लॉन्ग टाइम के लिए अब यहाँ पर मोर्टिलिटी का है सामो गार्डियनरी जो है फिफ्टी एट आर वन सेल और ब्लास्टर स्टेज इज मोस्ट सेंसिटिव ये वाली स्टेजेस बहुत सेंसिटिव होती है तो इसमें यहाँ डेथ हो सकती है इन ऑर्गेनिजम्स में तो ये एक छोटे मोटे पॉइंट्स है जो आप ऐड करें है तो में क्या होगा जो इफेक्ट्स रहेंगे वो हीमोपोटिक टिश्यू पे आएगी जो हेमोपॉयटिक टिश्यू होता है उस पर इफेक्ट होगा इम्यूनिटी फिशेज़ की अफेक्ट हो जाएगी उनके इंटेस्टाइनल टाइनल इपीथीलियम जो इंट उनकी इंटस्टाइन की जो लाइनिंग है वो भी अफेक्ट हो जाएगी यहाँ पर से तो की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा डिप्रेशन ऑफ हीमोपोइसिस देखने को मिलता है आ, मतलब हीमोपोइसिस की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है यहाँ पर ऑनको और इनकस और जो ये वाली जो फिशेज है इनमें नंबर ऑफ हीमोपाइटिक सेल्स जो है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ करते हैं कम होने लगते हैं प्लाइज के अंदर बात करें तो ससेप्टिबिलिटी फॉर इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाती है ये सारी इधर वाली साइड्स पर फिशेस लिखी हुई है और उनमें क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है वो इस साइड पर है जो कि राइट साइड पर है अब गोल्ड फिश में क्या होता है अगर रेडिएशन उनके ऊपर एक्सपोजर रेडिएशंस का होता है तो डेवलप डेवलप्ड डेवलप, डेवलप होना चाहिए यहाँ पर डेवलप इंटस्टाइनल डैमेज विच लीड टू डेथ लीड्स टू डेथ अब क्या होता है इनके अंदर इंटस्टाइनल डैमेज होता है जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है ग्रास श्रिम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अमीनो एसिड का जनरेशन जो है वो उनमें अफेक्ट हो जाता है और अमीनो एसिड का जनरेशन अगर अफेक्ट होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस प्रॉपर वे में नहीं होगा प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट होगा ग्रोथ अफेक्ट होगी ये सारी चीज़ होती है वहीं सालमो गार्डनरी की अगर हम बात करें तो इसमें डिप्रेस्ड इम्यून रिस्पॉन्स रिप्रोडक्शन की बात की जाए फिशेज़ के तो ओराइजिया लेटिपिस जो है उसमें फाइव हंड्रेड आर सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन ओवी पोजिशन देखने को मिला और सालमो गार्डनरी गार्डनरी जो है उसके अंदर इंडक्शन ऑफ स्टिटी आई एमफी पॉड के अंदर बात की जाए तो रिड्यूस्ड एग प्रोडक्शन उसमें देखने को मिला ब्राइन श्रिम्प के अंदर देखा जाए तो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन सेंसिटिविटी यहाँ जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है उसको प्लीज़ सही कर लेना ऑफ वो साइड्स थ्रू प्रोफेस एंड इन टू मेटाफेस प्रोफेस से मेटाफेज में जाने की जो पूरी प्रोसेस होती है उसके अंदर चेंजेस देखने को मिले ब्राइन श्रिम्प के अंदर फ्रेश वाटर स्नेल में ये देखने को मिला कि रेडिएशन की वजह से रिड्यूज फिकन्डिटी रही एंड वायबिलिटी भी उसकी कम हो गई और उसकी फर्टिलिटी भी यहाँ पर कम हो गई फिर फिशिंग फिशेज के डेवलपमेंट की बात करते हैं सालमो गार्डनरी के अंदर रिटार्डेशन इन ग्रोथ एबनॉर्मिलिटीज इन एम्ब्रियो देखने को मिली एम्ब्रियो की ग्रोथ जो होना चाहिए थी जिस तरीके से वो प्रॉपर नहीं हुई साइप्रिनस में हैचिंग डिक्रीज हुई आ, फिर उसके बाद चीनुक जो सालमन फिश होती है सामन कह सकते हैं हम उसको तो ओपरक्यूलर डिफेक्ट्स उसमें देखने को मिले जो ओपरक्यूलम रहता है उसके अंदर डिफेक्ट्स आए गप्पी अगर फिश की बात की जाए तो लोअर वेट उसका हुआ फ्रेश वाटर स्नेल में एम्ब्रियो डेवलपमेंट डिक्रीज हुआ ब्राइन श्रिम के अंदर डिक्रीज ऑफ बॉडी वेट देखने को मिला जेनेटिक्स आ, में ये हुआ कि फिशेस की अंदर म्यूटेशन देखने को मिले दूसरा यहाँ पर क्या हुआ कि उसके क्रोमोजोम में ब्रेकेज आए क्रोमोजोम का रीअरेंजमेंट हो जाता है फैकल फॉल्टी सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोजोम देखने को मिला कि मिक्सिंग हो गई क्रोमोजोम की और वो भी फॉल्ट आ गया उनके अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली क्रोमोजोम एब्रेशन अम्बरा लिमी के अंदर एबरेंट मेटाफेज आया मतलब मेटाफेज जो स्टेज होती है सेल साइकिल की उसके अंदर एबरेंट एबरेंटनेस देखने को मिली तो वो ख़राब हो गई प्लाइस के अंदर हाई लेवल ऑफ माइटोसिस शुरू हो गया एक्स्ट्रा माइटोसिस होने लगा मिजिस में इन्वर्जन और डिलीशन एब्रेशन सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोजोम में आ गए पॉलीकिट की बात करें तो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रोमोजोमल एब्रेशन आया अब यहाँ पर आपको ये बात का ध्यान बात का ध्यान रखना है कि अगर आप फिशेज़ की ये एग्जाम्पल में ले सकते हैं इनमें क्या हुआ लेकिन अगर आपको पॉइंट्स चाहिए कि बेसिकली होता क्या इफ़ेक्ट्स क्या है रेडियो एक्टिव वेस्ट के तो रेडियो एक्टिव जो वेस्ट है उसके इफेक्ट्स ये सभी है तो ये इस तरह से आप वहाँ पर नोट्स उसको बना सकते हैं की बात करते हैं तो मॉस्किटो फिश के अंदर देख लेते हैं सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ म्यूटेशन भी आए वो भी कैसे डेथ को कॉज करने वाले रेनबो ट्राउट में म्यूटेशन आए जर्म सेल्स में गप्पी के अंदर आया कलर पैटर्न म्यूटेशन ब्राइन श्रम के अंदर आया म्यूटेशन इन जर्म सेल तो ये सारी चीज कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं और उनके इंपैक्ट्स हुए हैं वो देख लेते हैं मेयर कॉम्प्लेक्स जो था न्यूक्लियर रीप्रोसेसिंग प्लांट का टेका रिवर और लेक कराचाई के अंदर इसका फॉल हुआ था 1949 1956 के अंदर सो रेडियो एक्टिव वेस्ट फ्रॉम प्लांट उसमें आता था नंबर ऑफ लेक्स रेडिएशन एक्सीडेंट हुए थे फिर उसके बाद एनुअल डोजेस एट हंड्रेड जी वाई बाई डी होती थी इको सिस्टम डिस्ट्रक्शन देखने को मिला एबनॉर्मिलिटीज इन डेवलपिंग लारवे लारवे के अंदर प्रॉब्लम्स आई डिस्ट्रक्शन होना लगा इको का बॉटम डिंग एंड फाइटोफेगस फिशेज आर अफेक्टेड ये सारी प्रॉब्लम्स होती है कमर्शियल कैचेज ऑफ फिशेस आर प्रोहिबिटेड लेन ग्रेड एनपीपी की बात करें तो लो कंटामिनेशन कॉस्ट करेगा एक्ूमिलेशन इन एलगी एमनॉमिलिटीज इन फिशेस देखने को मिलेगी शेरोनोबाइल एनपीपी की बात करें तो इस दुनिया में सबसे हाईली कंटामिनेटेड वाटर बॉडी में भी शेरोनोबाइल एनपीपी है वेरियस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो इसमें रिलेटेड रहते हैं एमनॉर्मिटीज इन फिश इसकी वजह से आती है चेंज मॉर्फोलॉजी ऑफ गोनाइट्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ सिल्वर कार्प यहाँ अफेक्ट अब आपके सामने यहाँ पर रेडियो इकोलॉजिकल इफेक्ट्स है वाटर बॉडीज पे जो कि एक्सपोज हुई थी रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन को लेकर तो सबसे पहले वाले कॉलम में यहाँ पर वाटर बॉडी के बारे में है पीरियड ऑफ असेसमेंट स्पीशीज अंडर स्टडी जिन स्पीशीज

ऊपर आ गई डेथ ऑफ फ्राई ऑफ कार्प गोल्ड फिश जो है उरुस्कुल और बार्डेनिश में देखने को मिला इस तरह की चीजें हमें यहां पर देखते हैं सो जस्ट इन केस अगर ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है तो हमने यहाँ थोड़ा जूम कर दिया आप लोग इसको नोट कर सकते हैं स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अब आ जाती है फोकोशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर की होल फूड चेन इसकी वजह से अफेक्ट हुई थी इको सिस्टम डेथ जो है वो देखने को मिली थी नियर शोर एरिया वेरियस रेडियो न्यूक्लियाट्स हुए ऑन गोइंग रिसर्चर्स की के तरफ केमिकल फिजिकल चेंजेस इको सिस्टम में देखने को मिले तो ये सारी चीज़ें इसको थोड़ा डिटेल रेडियो वेस्ट एंड श्रीलंका की बात की जाए तो एटॉमिक एनर्ज एनर्जी एजेंसी एक्ट नंबर नाइनटीन नाइनटीन सिक्सटी नाइन लागू हुआ इसका फंक्शन ये है कि जो नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसका इन द यूज़ ऑफ रेडिएशन एंड रेडियो एसोटोप्स टू एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर्स तो जो भी लोग इन चीज़ों का यूज़ करते हैं तो एक तो वर्कर्स का भी प्रोटेक्शन ज़रूरी है पब्लिक का भी प्रोटेक्शन जरूरी है इस एक्ट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट कोई ठेस नहीं पहुँचना चाहिए फ्रॉम प्रोटेंशली हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ आयोनाइिंग रेडिएशन तब जाके अगर किसी को अगर क्योंकि जरूरी भी है कई हद तक रेडियो एक्टिव वेस्ट का कभी कभी मतलब रहता है मटेरियल तो निकल जाता है लेकिन उसके अंदर पब्लिक को कोई प्रॉब्लम ना आना चाहिए वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए और ना ही कुछ एन्वायरमेंटल इशूज होने चाहिए कैटेगरीज हाई रिस्क मीडियम रिस्क एंड लो रिस्क इसके बेसिस पर डिवाइड करते हैं कुछ लॉ रेगुलेशन एंड रेडिएशन है इंटरनेशनल में आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यूरोपियन इन्वायरमेंटल लॉ हैंडबुक ऑफ न्यूक्लियर लॉ एल ए डब्ल्यू लिखना है आपको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कन्वेंशन एंड लीगल अग्रीमेंट्स कंट्रीज है जापान के अंदर एटॉमिक एनर्जी बेसिक लॉ यूके एटॉमिक एनर्जी एक्ट देयर आर सम रेफरेंसेस यू कैन नोट इट आउट और जो भी आपको ठीक लगता है तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हमारा टॉपिक जो था इफ़ेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट ऑन फिशेस था तो पहले तो हमें सबसे पहले रेडियो एक्टिव वेस्ट होते क्या है रेडिएशन क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देना होगा इसका इंट्रोडक्शन देने के बाद आप लोगों को उसके अंदर ये बताना होगा कि नॉर्मली जो अफेक्ट जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज़म्स पर भी आ सकता है फिर हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि है फ़िश के ऊपर फिशेज़ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है अब ये जो हमने पूरा टॉपिक देखा इसमें इन्होंने एक पर्टिकुलर कहना चाहिए अलग अलग तरह की कुछ पर्टिकुलर फ़िशेस ली थी जिसके ऊपर फोकस करते हुए हमें सारे इल इफेक्ट्स जो है वो बताए तो अगर हम चाहते हैं तो हम ये एग्जाम्पल के अंदर लेते हुए कर सकते हैं कि इन फिश के अंदर ये प्रॉब्लम आई रिप्रोडक्शन में इस फिश को ये प्रॉब्लम आई या किसी के डेवलपमेंट में ये प्रॉब्लम आई वो हम ले सकते हैं लेकिन उनके जो जनरली सारे जो हमने यहाँ पर इल इफेक्ट्स लिए थे उनका हम एक अलग ही टेबल भी बना सकते हैं और उसको नोट कर सकते हैं तो इस तरह से ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है कि जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती है इफेक्ट्स जो रहते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट के वो क्या हो सकते हैं कंक्लूजन में आप ये रहेंगे कि जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है हमें उसको इस तरह से मतलब कहना चाहिए डिस्पोज करना चाहिए कि वो ना ही इन्वायरमेंट को ख़राब करे ना ही पब्लिक को कोई प्रॉब्लम आए उनकी वजह से और ना ही वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम आए तो इन चीज़ों का ध्यान हमें यहाँ पर रखना हो सो दिस ब्रिंग्स अस टू दी एंड ऑफ दिस टॉपिक राइट नाउ और uh, मैं कोशिश करूंगी और भी टॉपिक्स जो जो स्टूडेंट्स ने कहना चाहिए रिक्वेस्ट की उन्हें कंप्लीट करने के लिए हम उनको जल्द से जल्द कम्प्लीट करें लेकिन थोड़ा सा टाइम शेड्यूल मेरा अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा है तो इस वजह से पूरी कम्प्लीट नहीं हो पाए वो टॉपिक्स सो so, अभी आप देख सकते हैं और अगर कोई डाउट्स आते हैं इसमें देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन भी लो हम कम्प्लीट वहाँ पर ही मैं आपको बता दूंगी जो भी अगर प्रॉब्लम्स हैं सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैप्पी लर्निंग